नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 230वें दिन के क्लास को देख रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को, इस घंटी को दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो जहाँ तक देखते हैं तो लाइक और शेयर कीजिए। देखिए, ओमनीसेंट इंग्लिश सीखने से क्या होगा कि दोस्तों कि आप आसानी से बोल सकेंगे, लिख सकेंगे। तो अगर आप शुरू से सीखना चाहते हैं, साथ में जिनको पढ़ने से रिलेटेड है कि वर्ड मीनिंग कैसे पढ़े, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा ये वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। और देखिए एक और बात कि अगर वीडियो को देखते हैं और पसंद आता है तो पिछले वीडियो पर जाना चाहेंगे तो ओमनीसेंट इंग्लिश टाइप कीजिएगा यूट्यूब के सर्च में, या आप माइक पर भी बोल सकते हैं, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएगा। देखिए, राइटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइटिंग स्किल साथ साथ स्पोकन स्किल। अगर आप राइटिंग स्किल में अगर वर्ड मीनिंग आपके याद रहता है, तभी आप जो है राइटिंग अपना मजबूत कर पाएंगे, यानी कोई भी वर्ड लिख पाएंगे। तो आपको इम्पोर्टेंट ही कैसे कैसे वर्ड्स जो है, जितने भी सरल और जो हार्ड और स्ट्रॉन्ग, यानी डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी जो है आपको याद रखने होंगे, तभी आप लिख पाएंगे। साथ साथ जो वर्ड्स मीनिंग आप याद करते हो, वर्ड्स मीनिंग भी एक एक दो वर्ड्स भी बोलने से भी बहुत सारा जो है लगता है कि हाँ उसे आता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि देखिए वह बहुत ही इलिटरेट है, यानी कि बहुत अशिक्षित है। इस तरह के अगर बात, वह बहुत ही आउटस्पोकन है, वह बहुत ही पोलाइट है, बहुत सारे वर्ड्स जो है आप ऐसे ही सिंगल सिंगल वर्ड्स यूज कर लेते हो। तो खैर, सब देखेंगे और सब कुछ सीखेंगे यहाँ दोस्तों हमारे इस वीडियो सीरीज के साथ। तो सिर्फ इजी स्टेप में, क्योंकि ग्रामर कोई खास उपयोग नहीं किया जा रहा है, हालांकि ये वीडियो जो है वर्ड मीनिंग्स पे है, कैसे पढ़ेंगे और कैसे सरल जो आम दिनचर्या में, दैनिक जीवन में जो आप तरह तरह के जो वर्ड मीनिंग बोलते हैं उसका इंग्लिश क्या होगा। तो बहुत बेसिक्स है, जिनको नहीं आता वो जरूर सीखें, देखें। देखिए दोस्तों, पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर बताता चलूँगा जो हार्ड हार्ड वर्ड्स है उसे कैसे पढ़ेंगे। देखिए, कुछ वर्ड जो है नाउन है, कुछ वर्ड जो है यहाँ पर एडवर्ब है, कुछ वर्ड्स जो है एडजेक्टिव है, कुछ जो है प्रोनाउन भी है। तो ये सब देखेंगे कैसे कैसे जो है। अब देखिए, वर्ब भी है, तो देखिए टू रिलाई, इसका मतलब था भरोसा करना। मान लीजिए भरोसा करना, तो रिलाई होगा, टू तो लगता ही है, कभी भी वर्ब के पहले टू रहता है। तो रिलाई मीन्स भरोसा करना, रिलाई पढ़ेंगे री आर ई रिलाई। अब देखिए उसके बाद वी है, मीन्स हम और हम लोग, ये एक प्रोनाउन है, आई का प्लुरल होता है प्रोनाउन, जैसा कि हमेशा हर वीडियो में मैं बताता हूँ आई वी। उसका चाओस, चाओस यानी अशांति, ये एक नया वर्ड, नया तरह का वर्ड है चाओस, अशांति। अगर इसे और डिफाइन किया जाए तो घोर अव्यवस्था, गड़बड़ी या अस्त व्यस्तता, एक तरह से अशांति का ये जो है अशांति के लिए वर्ड है चाओस। ठीक है, इसे चाओस नहीं, अब चलिए लोग ऐसे ही पढ़ते हैं जनरली, लेकिन इसे च को सी एच से च नहीं बोलेंगे, जबकि शुद्ध उच्चारण कि ओस होगा। ठीक, क्या होगा दोस्तों कि ओस। तो मैंने जानबूझकर मैंने यहाँ बताया कि ताकि लोग समझे कि चाओस ही है, जब कैसा नहीं है कि ओस है, ऐसे लिखेंगे कि ओस। तो ये है कि ओस का मतलब अशांति, ये रहेगा ऐसे जो उच्चारण इसका करेंगे कि ओस। ये एक नाउन है, नाउन वर्ड है। अब देखिए जॉय है, जॉय का मतलब खुशी। उसके बाद देखिए स्ट्राइफ है, स्ट्राइफ जो कि कलह है, कलह वर्ड है। ये वाइज है, वाइज का मतलब बुद्धिमान, वाइज। उसके बाद ग्रेज, टू ये चरना, ये एक वर्ब का वर्ड है, टू ग्रेज है लिखा हुआ। लाई मीन्स पढ़ना, दोस्तों यहाँ पर लाई मीन्स झूठ का है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए लाई मीन्स झूठ, यानी कि असत्य, इसी से बनता है लायर, लायर जो कि झूठा कहलाता है, झूठा वर्ड झूठा कहलाता है। तो लायर, यू आर लायर हम लोग बोलते हैं, यू आर लायर। देखिए माइंड है, माइंड मीन्स दिमाग है, बहुत ही बेसिक है। फॉलो यानी कि अनुकरण करना, या लोग समझते हैं फॉलो को मतलब पीछा करना, तो वो फॉलो अलग है, यहाँ पर अनुकरण करना, फॉलो मीन्स पीछा करना भी होता है, तो खैर अनुकरण कर। आइडिया, आइडिया का मतलब विचार। पासिंग, पासिंग का मतलब सफल होना। फिर देखिए यहाँ पर वीट, वीट का मत डब्ल्यू आई टी, वीट मीन्स बुद्धि और हिंदी बुद्धि, और विजडम मीन्स बुद्धि भी होगा, बुद्धिमान भी कह सकते हैं। तो खैर वीट मीन्स बुद्धि, विजडम मीन्स बुद्धि। टीचिंग, टीचिंग एक नॉन वर्ड है, ये इसका मतलब शिक्षा, एजुकेशन, इसे एजुकेशन बोलते हैं। डी वेस्टेज,
तो डिवेस्टेड है यानी कि गिरा हुआ, प्रॉपर यानी कि उचित, प्रॉपर मीन उचित, रिन्यूड यानी कि बर्बाद हो गया या बर्बाद, एक्चुअली पास्ट का ये भी टू है, थिंकिंग थिंकिंग यानी कि सोचना, थिंक से बना थिंकिंग सोचना, ग्रेजिंग ग्रेजिंग मीन्स चरती हुई या चरना, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। तो स्पेलिंग आप अच्छे से समझ रहे होंगे, यहाँ पर कोई भारी भरकम ऐसा कोई वर्ड नहीं है, फिर भी यहाँ पर देखिए एल ओ डब्ल्यू जो होता लो पढ़ते हैं इसे, तो फॉलो, ठीक है, तो फॉलो हो गया, आई एन जी आई इंग को पकड़िए यहाँ पर, जहाँ जहाँ इंग होगा तो सही जाहिर से टीच प्लस इंग टीचिंग, थिंक प्लस जो है इंग थिंकिंग, यहाँ ब्यूटी है ब्यू टी आई टी फुल एफ यू एल फुल हो जाएगा। देखिए ग्रेजिंग में आई एन जी यहाँ भी लगा हुआ ग्रेजिंग, तो ये सारे वर्ड्स आसान से जो है पढ़ सकते हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर टेड है टी ई डी टेड लगा हुआ, तो इसे टेड पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नज़दीक के खेतों में, नज़दीक के खेतों में इन द फील्ड क्लोज बाय, नज़दीक के खेतों में, अब देखिए शिक्षित का हो जाएगा एडुकेटेड, लोग जिसे एजुकेटेड बोलते हैं एजुकेटेड, जबकि ये शुद्ध इसका उच्चारण होगा एडुकेटेड, ये पास्ट रूप है इसका, पास्ट फॉर्म है, तो एजुकेशन से बना है, एडुकेट से बना है एडुकेटेड, तो ये एडुकेटेड है। इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री का मतलब है हमारे देश में, अब देखिए मेजोरिटी मेजोरिटी दो बार में इसको पढ़ेंगे हम लोग, मेजोरिटी मेजोरिटी पीपल, तो ये पीपल है अधिकतर लोग अधिकांश लोग। अब देखिए अन है एडुकेटेड अ शिक्षित, ई लिटरेड ई ली टेरेट रेट हो गया अशिक्षित, हॉलीडेज डेज तो है ही हॉलीडेज छुट्टी के दिन, ठीक है छुट्टी के दिन हो जाएगा, मे की जरूरत नहीं यहाँ पर। फैक्ट्री फैक्ट्री कारखाना, फॉर्मर फॉर्मर किसान बोलेंगे, कृषक भी बोल सकते हैं, खेतिहर भी बोलते हैं लोग गांव में। उसको देखिए इनकरेज, देखिए इसको पढ़ेंगे इन ऐसे पर इन कर एवरेज है, इसको तो ए जे ई, इस वर्ड को अगर पढ़ लेते तो बहुत सारा आप पढ़ पाएंगे अच्छे से। तो एज है तो आर में लग गया एज, तो इनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करना है, इनकरेजमेंट भी होता है वर्ड इसी से बनता है जिस, अब देखिए करेजियस करेज होता है उसी से, उसी के पहले इन लग गया तो इनकरेज हो गया। लेबरर मजदूर क्रिश्चन, ठीक है लेबरर। रेस्पेक्ट यहाँ देखिए रेस ये पैक्ट है, रेस्पेक्ट दो बार में आदर करना। कीप्स असाइड अलग करना, कीप असाइड अलग करना। ग्रेट इंस महान, अब देखिए नोवेल है, नोवेल का मतलब उपन्यास, ये देखिए शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी छोटी कहानी। री देखिए आ रही री है प्लाई, रिप्लाई का मतलब होता है उत्तर देना जवाब देना। देखिए लोकल, लोकल का मतलब होता है स्थानीय। नेक्स्ट है कॉलिन, अंदर बुलाना, ये भी एक वर्ब है कॉलिन। उसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स, जब किसी के शरीर का रंग यानी कि किसी के कलर जो है बताना हो, ये रंग मतलब कलर नहीं, ये कॉम्प्लेक्स का रंग मतलब रंग जो होता है कि किसी के बॉडी का क्या रंग है, वो उस सेंस में इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे कि फेयर है, फेयर होता है, वेल्दिस होता है, तो ठीक है वाइट होता है, मिल्की वाइट होता है, तो ये सारे कॉम्प्लेक्स है, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, फेयर मिल्की वाइट वेल्दिस। तो खैर यहाँ पर देखिए फेयर, फेयर का मतलब, फेयर का मतलब होता है साफ, ये रंग के मामले में है। अब टॉल मीन्स लंबा है, लीन एंड थीन, देखिए दुबले पतले, यहाँ डैश का मतलब और होगा, तो लीन एंड थीन, तो लीन मीन्स दुबला और थीन मीन्स पतला। ब्राइट मीन्स चमक। उसके बाद देखिए स्वीट स्माइल, स्वीट स्माइल मधु मुस्कान, स्वीट स्माइल, तो बहुत ध्यान से देखें स्वीट स्माइल का मतलब, स्वीट स्माइल मधु मुस्कान। अब देखिए लिप्स होंठ, होंठ न्यू राइटर नवीन लेखक। अब देखिए प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति। शुड नॉट बी प्राउड, शुड नॉट बी प्राउड अभिमानी नहीं होना चाहिए। इसके पहले आप बहुत सारे वर्ड्स लगा सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट लगा लीजिए, आई लगा लीजिए, वी लगा लीजिए, यू लगा लीजिए, जो भी वर्ड लगा लीजिए, बहुत ही मतलब मैं अभिमानी, मुझे अभिमानी नहीं होना चाहिए, हम लोग को अभिमानी नहीं होना चाहिए, तुम्हें अभिमान, तो कुछ भी लगा लीजिए, आई वी यू ई
यू यू ही सी इट किसी का नाम लगा के बोल सकते हैं, जैसे कि रमेश शुड नॉट बी प्राउड, रमेश को अभिमानी नहीं होना चाहिए, रमेश को अभिमानी नहीं होना चाहिए, रमेश शुड नॉट बी प्राउड। तो कोई भी वर्ड लगा के यहाँ पर आप इस तरह का सेंटेंस बोल सकते हैं। अब देखिए प्रथम वर्ष का विद्यार्थी, प्रथम वर्ष का विद्यार्थी यानी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास, प्रथम वर्ष का विद्यार्थी, परिश्रम व्यर्थ कभी नहीं जाता, परिश्रम जो है व्यर्थ कभी नहीं जाता, यानी कि लेवर नेवर गोज अनरिवॉर्डेड, लेवर नेवर गोज अनरिवॉर्डेड, परिश्रम व्यर्थ कभी नहीं जाता। देखिए सुबह से शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। नेक्स्ट है लास्ट, लास्ट का मतलब पिछला, आखिरी, एनुअल, एनुअल, तो याद रखिए एनुअल वार्षिक सालाना। स्टैंड फर्स्ट यानी सर्वप्रथम होना, जो फर्स्ट होता तो स्टैंड फर्स्ट, सर्वप्रथम होना। विलेज गांव, रिजल्ट का मतलब परीक्षा फल या परिणाम। एग्रीवेट दुखी, पोजीशन, अब देखिए इसका जो टी आई एन है सन, इस वर्ड को हमेशा पकड़ेंगे, या जब भी कहीं भी दिखे आप आसानी से इसे सन पढ़ेंगे तो पोजीशन यानी स्थान। हार्ट लेबर कठिन परिश्रम। लॉस हट हिम्मत हारना, दिल से हिम्मत हारना, उस सेंस में है ये। लेजी मतलब आलसी। सिटीजन नागरिक। मदर टंग मातृभाषा, तो ये हो गया मातृभाषा। लिटरेचर, लिटरेचर देखिए लिटरेचर ऐसे पढ़ेंगे, लिट ये लिट है, ये रे है, ये चर है, लिटरेचर तीन बार में, लिटरेचर यानी साहित्य। स्कॉलर ये एस जो है, एस कॉलर ये क सी ओ क हो जाता है, एल ए आर लर हो जाता है। देखिए एस के बाद जो है कोई भी ए ई आई ओ यू नहीं लगा हुआ है, इसीलिए इसके अस्कॉलर बोलते हैं, आधा सब वो पढ़ेंगे इसे, इस एस को आधा सब पढ़ेंगे तो अस्कॉलर हो जाएगा यानी विद्वान। नेक्स्ट है अटेंशन, फिर से देखिए दोस्तों यहाँ पर आप, मैंने बताया था टी आई ओ एन को क्या पढ़ेंगे, अगर आपने ध्यान सुना है तो बताइए क्या पढ़ेंगे इसे। चलिए इसे पढ़ेंगे सन, ये होगा अटेंशन, अटेंशन यानी ध्यान देना या ध्यान। टाउन ऑन है, ऑन डब्ल्यू ओ डब्ल्यू एन से बना, टी में लग गया तो टाउन हो गया शहर। अब देखिए के जो यहाँ साइलेंट होता है तो ये नॉलेज, नॉलेज यहाँ ए जो रहता है, नॉलेज मीन्स ज्ञान। रेनी रेनी सीजन वर्षा ऋतु। इन हैवी टेंट, ये इन हो गया, हैवी हो गया, यहाँ टेंट हो गया, रहने वाले। इंडियन लैंग ग्वेज, देखिए ए जी ई मैंने बताया था कि ए जी ई याद रखिएगा एज, तो लैंग्वेज, लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज, इंडियन इंडिया से इंडियन लैंग्वेज भारतीय भाषा है, इंडियन लैंग्वेज ऐसे। उसके बाद देखिए फील्ड है यानी खेत, या फील्ड का मतलब मैदान भी होता है। ब्यूटी बी यू टी, बी यू टी सौंदर्य सुंदर। प्लेजर देखिए यहाँ पर जो एस यू आर है इसको सर बोलेंगे, प्लेजर जर बोलेंगे एक्चुअली, तो ये प्लेजर, प्लेजर मीन्स आनंद हर्ष उल्लास। कोऑपरेटिव कोऑपरेट, कोऑपरेट, कोऑपरेट मीन्स साथ देना। रूरल सॉन्ग ग्रामीण गीत। स्वीट एंड मेलोडियस, देखिए ओ यू एस को ध्यान रखेंगे जिनको नहीं पढ़ने आता उनके लिए ये, मेलोडियस ऐसे पढ़ेंगे इसे, मेलोडियस सरस और मधुर, सरस और मधुर। ग्लैड का मतलब प्रसन्न। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण और रोज दिनचर्या में यूज़ करने वाले वर्ड्स, तो अगर आप नहीं भी जानते तो इसे अच्छे से एक दो बार बोलने से ये वर्ड्स आ जाएंगे। ये बेसिक्स वर्ड्स हैं जो कि उनके लिए इस तरह से खुराक है कि बहुत सारे जो वर्ड्स हैं कैसे पढ़े जाएँ या कैसे इसका मीनिंग मतलब भी जानना है, जिनके लिए जो कि जीरो से है उनको, जो जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए सभी लोग को, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। दोस्तों धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें।